है भाई, सब कैमरा में थोड़ी आएगा। जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। कुछ दिन पहले हजारीबाग में एक घटना हुई थी कि स्कूल वैन का जो बैटरी फट गया था, जिससे एक दो जो छात्र है वो क्षति हुई थी। बहुत बड़ी क्षति तो नहीं हुई थी, लेकिन उसको लेकर अब जो है स्कूली वैन के जो मालिक है उन पर काफी प्रभाव डाला जा रहा है कि आपकी गाड़ियां कैसी हैं, बच्चे सेफ है कि नहीं। इन सब मामलों को लेकर आज यहाँ पे जो है पूरा टीम जो जुटा था, जो मालिक लोग है सब यहाँ पे झील पे आए थे डिस्कस करने के लिए कि आखिर क्या करना है, आगे कैसे सेफ रहेंगे, इन सब बातों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, हमारा नाम बाबर अली है, हम अध्यक्ष हैं स्कूल एसोसिएशन के। तो हमारा ये कहना है कि चलिए जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब डीटीओ से मेरा अनुरोध है कि उनका बहुत कॉपरेट हम लोग के पीछे रहा है, शुरू से रहा है, बहुत चीज नजरअंदाज करके चले हैं। तो अब जो भी दिक्कत होता है उसको हम लोग खुद अपने में करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, और ऐसा नहीं होगा कि ओवरलोड गाड़ी चले और अनकेयर होकर के चले। ड्राइवर का भी हम लोग देख रहे हैं कि जिसके पास लाइसेंस हो उसी को रखेंगे, और जो जो यहाँ मालिक हैं उन लोग से भी यही है कहना है कि अपने गाड़ी का सुरक्षा खुद देखें और ड्राइवर को भी अच्छा रखें कि जिससे तो कि कोई घटना। एक बात है, लोग क्यों इतना बोल रहे हैं या फिर क्यों आपके ऊपर किया जा रहा है? रीजन ये है कि बैटरी फटा था, अगर उसमें कोई लड़की अगर मर जाती सोचिए क्या होता। ये हो सकता था ना, ये एक घटना तो एक ही बार होगा। तो अब इसके बाद भी आप लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोचिए अगर वैसा हो जाता तो और बवाल मच जाता। तो अब इसको रोकने के लिए आप लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग खुद कदम उठाएंगे, और डीटीओ से यही कहना है कि आपका बहुत है कोऑपरेट, और कुछ होता है तो हम लोग बताइए कि आप इतना बच्चा लेके चलिए, आप क्या कहते हैं, आपके साथ ये पेपर होना चाहिए, गाड़ी आपका इतना पुराना नहीं होना चाहिए। तो खुद हम लोग इसको करेंगे। खाली हम लोग को कहे कि हम लोग के पास कोई रोजगार नहीं है, हम लोग सारा बेरोजगार है, कि कोई हम लोग फिर रोड पे नहीं आ जाए तो ये बहुत बड़ा मतलब कि दुर्भाग्य है। फिर अभी जो है वो कितने लोग थे ऐसे, मतलब जिनके गाड़ियों में प्रॉब्लम है या रोका जा रहा है, जिनको स्कूल के बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ? आज जेबियर में सारे गाड़ी का फोटो लिया गया है। दो आदमी मोबाइल लेके खड़े थे, फोटो खींचे थे, हम लोग पूछा गया तो बोले कि हम लोग को वहाँ डीटीओ से भेजा गया सिर्फ फोटो खींचने के लिए, उसके बाद फिर कार्रवाई होगा, क्या होगा उसके बाद बताया जाएगा। तो मतलब अभी कार्रवाई भी नहीं हुआ और आप लोग डरे हुए? नहीं, तो हम लोग डरे हुए, कहे कि यही रोजगार है, कल हम लोग रोड पे आ जाएंगे, खाने के लिए हम लोग को दिक्कत हो जाएगा, आज कमाते हैं तो कल खाते हैं। और गार्जियन लोग का भी जो है कि कहना है कि ओवरलोड ठीक है, हम लोग ओवरलोड नहीं ले जाएंगे, लेकिन गार्जियन लोग का भी बहुत है कि कोई समय पे पैसा नहीं देते हैं और खोजते हैं कि 500-600 में चल जाए, तो वो तो दिक्कत है, वो तो ओवरलोड करेगा। गार्जियन का ही प्रॉब्लम है, गार्जियन का प्रॉब्लम है। अच्छा, गार्जियन लोग कभी नहीं बोलते कि इतना भीड़ में मत डालो, बोलते हैं तो देख रहे हैं कि मेरा कम में जा रहा बच्चा। अच्छा, लेकिन आज हम सबको बोल रहे हैं कि पैसा अच्छा से लीजिए, टाइट पैसा लीजिए, आपको नहीं पड़ता है तो दूर का गाड़ी ले सकते हैं, गाड़ी लीजिए, फिर गाड़ी लेकर गाड़ी निकाल सकते हैं। हाँ हाँ, ये तो आपको ही फायदा होगा। हाँ, कि अगर हाँ मान लीजिए आप 5 की जगह 10 बच्चे ले रहे हैं, 2 गाड़ी लेंगे तो आपको ही तो फायदा होगा। जब हमको पैसा मिलेगा हाँ, तब ना, यहाँ तो इतना पैसा मिल रहा है, पैसा नहीं, 3-4 महीना हो गया है गार्जियन लोग एक गाड़ी चलने लेकर पैसा नहीं होता है, कभी 800 को 600 को 500 ले जाएंगे, तेल का ही पैसा नहीं निकलेगा, ड्राइवर का खर्चा नहीं निकलेगा, तो फिर हमको गाड़ी चलाने से फायदा क्या होगा? वो जो कहते हैं कि भाड़ा ज्यादा दे पेरेंट्स तभी उनको सेफ्टी मिलेगा। सबसे ज्यादा मुद्दा उठा है ओवरलोडिंग का, हम लोग जो वैन जो कंपनी जो सीट बनाकर देती है, हम लोग बाद में खुद से बेंच बनाते हैं, और बेंच में ही बना जो जितना बेंच का कैपेसिटी होता है उस पे ही बैठा लेते हैं, और ओवरलोडिंग का एक चीज और हम लोग भी देखते हैं कि जैसे आप स्कूल के बच्चे का वैन जा रहा है, गाना जो बजता है उसमें भी कुछ कुछ मतलब बच्चा जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, उसमें बज रहा है खेसारी लाल का गाना, अगर गाना बजता है, गाना वाला बोले ना, बहुत लोग बोला ठीक बात बोले, आज से 10 साल पहले मेरे गाड़ी में गाना बजता था, समझे, तो एक गार्जियन बोला कि अरे देखिए ना मेरी लड़की आ रही तो गाना गा रही है, आपके यहाँ गाना बजता है, तो हम बोले कि अच्छे, तो उस दिन से मेरे एक भी गाड़ी में गाना नहीं मिलेगा, और सबसे बोलते हैं कि गाना बंद बजाइए। उससे क्या है, बहुत पेरेंट्स कंप्लेन करता है, हम लोग कंप्लेन आता है कि देखिए खेसारी लाल का गाना बजा रहा है, रंगीला का गाना बज रहा है, तो हम लोग भी सोचे कि भाई अब इस छोटा छोटा मुद्दा है, फोन करके बोल देते हैं, लेकिन हर ये गलत है मुद्दा, आइंदा से ऐसा आपको ये शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि क्या कहते हैं गाना बज रहा है। और चाहे बहुत ऐसे ड्राइवर है जो कान में हेडफोन भी लगा करके चलते हैं मोबाइल बात, तो हाँ उस पर भी पूरा प्रति ध्यान दिया जाएगा। इसके पहले भी एक घटना हुई थी गोल टोली के पास, एक जो वैन पलट गया था, ऑटो पलट गया था, जी हाँ ऑटो, बहुत बच्चे भरे हुए थे महावीर रास्ता, हाँ तो उसमें भी थोड़ा उठा था मुद्दा कि क्या सेफ है कि नहीं है, गलती से मार दिया था, हाँ मतलब वही उसमें मुद्दा उठा था कि सेफ है। इसको गार्जियन को भी सुनना चाहिए, गाना बज रहा है तो गार्जियन बोले उसको, गाड़ी मालिक और ड्राइवर को बोले, घर के नहीं गार्जियन, गार्जियन तो घर पे रहता है ना, रोड पे देख रहा है, गार्जियन के बारे में बोले, गार्जियन सब जानता है कि केटो बच्चा जा रहा है, क्या बज रहा है सब जान रहा है, लेकिन वो लोग भी इग्नोर कर रहा है, समझे, तो गार्जियन को भी चाहिए कि जागरूक होना। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब जो इतना मीटिंग हुआ है क्या डिस्कशन हो रहा है? हम लोग सब अपना गाड़ी जो
जो बैटरी फटा है, हादसा हुआ है, हम लोग सब गाड़ी जो है सबको अच्छा से जांच करवाएंगे, जो बैटरी वगैरह ढीला है, टर्मिनल ढीला है या फिर बैटरी लो तार लगा हुआ है, पतला तार लगा हुआ, वो सबको व्यवस्था। हम लोग अपना बच्चा, हम लोग अपना बच्चा भेज सकते हैं ना आपकी गाड़ी। हम लोग को सेफ का ध्यान रखना होता है कि गार्जियन, चलिए एक बच्चा का 1000 रुपया या 1500-800 कुछ भी दे रहा है, मगर अगर कुछ तरह का नुकसान होता है तो उससे ज्यादा हमारे गाड़ी में नुकसान होगा, तो उसका सेफ्टी का ध्यान हम लोग खुद रखेंगे। और हम लोग देखिए इसीलिए हैं कि आज सबको, सब ड्राइवर से लेकर मालिक तक को जागरूक करने कि आइंदा ऐसा नहीं हो। इसके लिए आप लोग अपने गाड़ी को सही देखिए, ड्राइवर को ठीक कीजिए कि आइंदा हम लोग को ना डीटीओ को बोलना पड़े और ना हमको कोई गार्जियन को बोलना पड़े। क्या बोल रहे हैं आप, बहुत अच्छा बात है। सभी ड्राइवरों का ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइवर है, सब ट्रेन होना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए, कोई ऐसा समय रखे, क्लास कराए, बिना इंडिकेटर के घूम जाते हैं, ना इंडिकेटर। सोच लीजिए कि पूरे हजारीबाग में कम से कम 50,000 बच्चे हम लोग ले जाते हैं और ले आते हैं, 50,000 टोटल जितने हम लोग हैं उसमें आना जाना, जितना हजारीबाग में स्कूल है सब में, टोटो से लेकर ऑटो से लेकर के सब गाड़ी का। और आप लोगों की दिक्कत हो तो बता सकते हैं, ऑटो 10% और 100% खत्म हो गया।